छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हुई धर्म संसद में कालीचरण महाराज के विवादित बयान को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस जहां कालीचरण महाराज को भाजपा का करीबी बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि धर्म संसद का आयोजन कांग्रेस ने कराया था। कार्यक्रम के आयोजन के पीछे कौन था, इसे लेकर लाइव हिंदुस्तान ने धर्म संसद के आयोजक श्री नीलकंठ सेवा संस्थान के संस्थापक नीलकंठ त्रिपाठी से बात की। कालीचरण के बयान का विरोध करने को लेकर नीलकंठ ने बताया कि मंच से ही जब महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया तो उन्होंने आयोजक होने के नाते खुद विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा उनके बाद रामसुंदर दास के साथ अन्य लोगों ने भी कालीचरण महाराज का विरोध किया। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में आयोजित दो दिवसीय धर्म संसद के अंतिम दिन रविवार को कालीचरण महाराज ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा भी कर डाली थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर पुलिस ने शहर के टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कालीचरण महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी था इस पूरी धर्म संसद का? नहीं नहीं, देखिए ये जो धर्म संसद का हमने आयोजन किया था जी, तो यह कोई राजनीतिक मंच नहीं था, यह केवल सनातन धर्म को लेकर के हमने किया था, जिसमें जो उद्देश्य था ये आयोजन का कि सनातन धर्म को सनातन धर्म का कैसे विस्तार किया जाए, जो खंड खंड में बटे हुए हैं सनातन धर्मी उनको कैसे एकजुटता लाई जाए, है ना, सनातन धर्म का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि अभी जो अपनी युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म के बारे में जानती नहीं है जी। वो केवल अपने आप को हिंदू 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 बोलती, हिंदू हिंदू बोलने से हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा जब तक वो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानेंगे जी। तो इसी कारण ये आयोजन को किया था कि मंच पे जितने भी धर्म गुरु है उपस्थित होकर के सनातन धर्म के बारे में इनको दिशा निर्देश दे, और उसके साथ में हमने इसमें राजनीतिज्ञ लोग को इसलिए जोड़ा था कि कहीं ना कहीं जितने भी सनातनी धर्मी राजनीतिज्ञ हैं जो शासन में बैठे हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं दिशा निर्देश मिले कि आप सनातन धर्म के लिए भी कार्य करें जी। तो इस कारण से उनको इसमें जोड़ा गया था। अच्छा, इस ये जो आपका आपका संस्थान है जी, इसमें क्या भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोग भी हैं इसकी समिति जो आपकी बनी है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के लोग हैं। पार्टी के ये केवल सनातन धर्म के लिए ये क्या बोलते हैं संस्था बनी है जी, कि सनातनियों को एकजुट लाया जाए। ये ना तो कांग्रेस का है, ना तो बीजेपी का है, ना सपा का है, ना बसपा का है, ना अन्य दल का है जी। और वही उद्देश्य को लेकर के हमने आयोजन किया। अच्छा नारायण जी, आपने बात की युवाओं की, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कालीचरण जी ने जो बयान दिया वहां पर अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी को लेकर के, उससे कितना इत्तफाक रखते हैं आप या आपकी संस्था? इसका हम निंदा करते हैं कि जो उन्होंने वहां मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की महात्मा गांधी के लिए, वह अशोभनीय था। विरोध करने के कई तरीके होते हैं, यदि आपको नहीं महात्मा गांधी जी पसंद है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मंच से आपको नहीं करना चाहिए था जी। हमने पूर्व में भी सभी संत महात्माओं को जितने थे सबको कह दिया था कि मंच से केवल सनातन धर्म के विषय में चर्चा हो, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में चर्चा ना हो, किसी राजनीतिक पक्ष के विपक्ष के बारे में चर्चा है वहां पे मंच से नहीं होना चाहिए, या किसी अन्य धर्म के बारे में हमको चर्चाएं नहीं करनी, केवल सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म में एकजुटता कैसे लाए, सनातन धर्म का विस्तार कैसे करे, इस विषय में चर्चाएं हो जी।